नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 45G versus Xiaomi Redmi 13C का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 40 में 6.52 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 40 में 2.99 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Note 40 में 0.31 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 40 में 185 ग्राम जबकि Xiaomi Redmi 13C में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 40 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 40 में फ्लेक्सिबल AMOLED जबकि Xiaomi Redmi 13C में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 40 में 6.78 इंचेस जबकि Xiaomi Redmi 13C में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 40 में 1080x2436px FHD+ और Xiaomi Redmi 13C में 720x1600px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 40 में 86.99% जबकि Xiaomi Redmi 13C में 83.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 40 में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 260 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो नोट 40 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Redmi 13C की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 40 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi Redmi 13C की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 40 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Xiaomi Redmi 13C में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 40 में IMGBXM8-256 जबकि Xiaomi Redmi 13C में Mali G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 40 में MediaTek Dimensity 7020 और Xiaomi Redmi 13C में MediaTek Dimensity 6100+ मिलता है। बात करें RAM की तो Note 40 में 8GB की RAM मिलती है जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 40 में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Xiaomi Redmi 13C में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 40 में अप टू 2TB जबकि Xiaomi Redmi 13C में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Note 40 में Android V14 जबकि Xiaomi Redmi 13C में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 40 में 2 कलर्स जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नोट 40 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Xiaomi Redmi 13C की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,299 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,656 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो इन्फिनिक्स नोट 45G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 13C की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 40 आगे है, मेन कैमरा में नोट 40 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 40 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Oppo A3 Pro 5G है, तीसरा OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G 85 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।